हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियोसिटी पे। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे अर्थ की सबसे वैल्यूएबल एंड एक्सपेंसिव मटेरियल कौन सा है, तो आपके भी मन में एवरेज 90% लोगों की तरह गोल्ड का ख्याल आएगा, है ना। हाँ, गोल्ड एक्सपेंसिव है, लेकिन उतना नहीं जितना हम सोचते हैं। पर ग्राम गोल्ड की कीमत इंडिया में है करीब 5,065 रुपीस, और जहाँ पे ड्रग्स जैसे हीरोइन, कोकेन, एलएसडी की पर ग्राम की कीमत इंडियन करेंसी में 2,24,000 रुपीस तक पहुँच जाता है। डायमंड, जो कि एक बहुत ही रेयर कार्बन कंपाउंड है, उसकी भी पर ग्राम की कीमत 3,25,000 है। और इन सब मटेरियल्स का प्राइस इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये हमारे इंसानों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, लेकिन अर्थ में इनकी रिसोर्सेज बहुत कम है। लेकिन आज के वीडियो में हम जिस मटेरियल के बात करने जा रहे हैं, वो महज कुछ सालों में ही डिस्कवर हुआ है, और डिस्कवर होते ही वो बन चुका है हमारे प्लैनेट की सबसे एक्सपेंसिव और हमारे पूरे यूनिवर्स की सबसे रेयरेस्ट मटेरियल, जिसका नाम है एंटी मैटर। तो क्या है ये एंटी मैटर, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मगर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसे ही आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्मल मैटर की ही तरह एंटी मैटर भी बनता है एटम्स से, जहाँ पे एटम्स का स्ट्रक्चर भी रेगुलर मैटर के एटम्स की तरह ही होता है, लेकिन डिफरेंस जो होता है वो होता है उनके स्पिन्स और चार्जेस में। एक रेगुलर एटम बनता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन होता है चार्जलेस। वही ऑपोजिट में एंटी मैटर बनता है एंटी प्रोटॉन, जो होता है नेगेटिवली चार्ज, पॉजिट्रॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज, और एंटी न्यूट्रॉन जो होता है चार्जलेस। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। एंटी मैटर में पॉजिट्रॉन्स का स्पिन भी इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होता है, मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो एंटी मैटर नॉर्मल मैटर का पूरा ऑपोजिट है। इस एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लेकर आए थे पॉल डिरेक ने 1928 में, जो कि एक थियोरिटिकल फिजिसिस्ट थे। उन्होंने एक इक्वेशन के मदद से हमें ये समझाने की कोशिश की थी कि एक चीज़ का हमेशा एक ऑपोजिट मौजूद होता है। जैसे कि इस इक्वेशन को ही देख लीजिए, यहाँ पे x का वैल्यू या तो +2 होगा और या फिर -2, लेकिन इन दोनों वैल्यूज से ही ये इक्वेशन कंप्लीट हो रहा है ना। वैसे ही आपके मेरे इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज़ का और खुद यूनिवर्स का भी एक एंटी यूनिवर्स मौजूद होना चाहिए इस इक्वेशन के मुताबिक। इस थ्योरी को लेके 19th century में साइंटिस्टों के बीच में बहुत बहस हुआ, लेकिन 1955 में एमिलियो सेग्री एंड ओवेन चैम्बरलिन ने ये प्रूफ कर दिया कि हमारे यूनिवर्स में एंटी मैटर भी मौजूद है, क्योंकि उन्होंने हमारे अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में ढूंढ निकाला एंटी प्रोटॉन को, जो प्रोटॉन का ऑपोजिट होता है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया था। ये एंटी मैटर हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसे यूज़ करके हम बहुत से असंभव चीज़ों को संभव बना सकते हैं। इसे हम कैंसर की ही तरह कई भयानक बीमारियों का इलाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही हाई एनर्जी सोर्स भी है। इसे हम इंटरस्टेलर ट्रैवल में लाइट की 50% स्पीड को अचीव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्पीड काफ़ी है हमारे क्लोजेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी तक करीब 2 साल में पहुँचने के लिए। एक नॉर्मल मैटर अपने 100% मास का सिर्फ 7% मास को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है, जहाँ पे एक एंटी मैटर अपने 100% मास का 100% को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि हमारे यूनिवर्स में इस वैल्यूएबल मैटर की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत छानबीन की, लेकिन इस प्रीशियस मैटर का एक अच्छा खासा रिसोर्स हमें कहीं नहीं मिला, जिससे कि हम भविष्य में इसे यूज़ कर सके। एंटी मैटर नेचुरली हमारे अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होता है, जहाँ सूरज का यूवी रेज एटमॉस्फेयर के आउटर लेयर से टकराता है, लेकिन जो अमाउंट प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। एंटी मैटर को स्टोर करना भी हम इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि एंटी मैटर जब भी नॉर्मल मैटर के संस्पर्श में आता है, तब रेडिएशन के मदद से बहुत मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है और खुद को तबाह कर देता है। इसी प्रोसेस को इनहेलेशन प्रोसेस भी कहा जाता है, इसीलिए इनके ऊपर रिसर्च करना भी बहुत मुश्किल है।
कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसी इन्हेलेशन प्रॉपर्टी के लिए शायद एंटी मैटर की मात्रा हमारे यूनिवर्स में इतना कम है। साइंटिस्ट के मुताबिक जब बिग बैंग हुआ, जिससे कि हमारे पूरे यूनिवर्स का फॉर्म हुआ, तब मैटर और एंटी मैटर ये दोनों चीज़ें ही फॉर्म हुआ था, लेकिन मैटर की मात्रा एंटी मैटर से थोड़ा ज़्यादा था और वो एंटी मैटर मैटर के साथ इन्हेलेशन प्रोसेस से खुद को तबाह करते गए और बाकी जो मैटर बच गया उससे ही हमारे इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज़ बना। ये गैलेक्सीज, ये नेब्यूलास, ये स्टार, सब कुछ एंटी मैटर इन्हेलेशन प्रोसेस से बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को रिलीज करता है। और इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर को अगर हम न्यूक्लियर वेपन की तरह यूज़ करते हैं तो वो हिरोशिमा और नागासाकी में होने वाले न्यूक्लियर तबाही से भी कई गुना ज़्यादा तबाही फैला सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं एंटी मैटर को आर्टिफिशियली कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।